Assalamualaikum, so welcome back to another vlog. आज हम लोग जा रहे हैं हमारे दोस्त की शादी पे, वो भी गुलकिन के अंदर. अभी हम लोग फिलहाल गुलमित के अंदर, यहाँ से कोई 10-15 मिनट की ड्राइव है. बहुत ही खूबसूरत मौसम है और बहुत ही घने बादल पहाड़ों पे इर्द गिर्द छाए हुए. आज वसीम भाई यार बड़े फिट लग रहे हैं आज माशाल्लाह से. वसीम भाई के भी ऊपर रौनक आई हुई. वसीम भाई मुझे बताएं कि शादी का इवेंट हुंजा में किस तरह चलता है. शादी का इवेंट हुंजा में मुख्तलिफ है और यहाँ गुजाल में मुख्तलिफ. अच्छा, गुजाल मुख्तलिफ है. गुजाल के में शादी ये होता है कि आज सुबह दुल्हा को बनाया जाता है. सही है. आता है वो मौलवी साहब आके दुआ करते हैं. हाँ. उनको तलवार दिया जाता है, उनको टोपी पहनाई जाती है, उनको शेरवानी पहनाई जाती है. क्या बात है. उसके बाद वो जाते हैं यहाँ पे मस्जिद में, वहाँ पे निकाह होता है. ठीक. निकाह होने के बाद जाते हैं जी वो दुल्हन के घर में. ठीक है. दुल्हन के घर में चाय होता है. चाय के बाद वो नाच, थोड़ा सा नाचते हैं, थोड़ा नाच गाना होता है जैसे हम लोग रात को लगे रहे. उसके बाद होती है. फिर दूल्हे के घर में सबके लिए लंच का इंतजाम होता है. बेहतरीन बेहतरीन. ओ वाव, आज तो सुबह खूबसूरत होगी. बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ है. ये रूमी यार्ड्स के सारे रूम्स हैं और ये भी रूम है, नीचे भी रूम्स हैं. ये वाला जो है हमारा रूम है और ये यहाँ पे वॉकवे है, सामने इनकी कार पार्किंग है और बादलों से ढका हुआ है फिलहाल गुलमित. टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये सारे दिन बहुत याद आने वाले. हर दिन एक अलग शुगल मेला होता है यार. बहुत फिट बनने और इनके अगर मतलब अगर ये यहाँ पे ना होते तो हमें उतना मज़ा शायद ना आता शादी में. सारी जो एंजॉयमेंट, सारी एंटरटेनमेंट वसीम भाई के क्रेडिट जाते हैं. लव यू ब्रो. ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली पुराने मार्को पोलो के रिजॉर्ट्स थे. ये वाले सारे इनके पुराने रूम्स हैं. नए वाले रूम्स थोड़ा सा आगे करके बने हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ. और ये जो है इनका रिसेप्शन एरिया है, वहाँ पे डाइनिंग रूम है. यहाँ से जो है ये जो नए रिजॉर्ट्स बने, ये वाला जो है म्यूजिकल नाइट वाला रूम है, डाइनिंग एरिया भी यूज़ होता है. और वो जो सामने रिजॉर्ट्स बने हुए वो नए बने हुए. ये जा रहे हैं हमारे साकिब भाई. ये देखें अभी ताज़ा ताज़ा खुबानी तोड़ के खाएँगे, हमारे लिए भी तोड़ेंगे. अभी हम जा रहे हैं पीछे बाग के अंदर. खुबानी और सेब खाए बगैर दिन कैसे शुरू हो सकता है, यही तो सारा मजा है इधर का. वेयर इज द रेड वन. ओए लाल किधर है, ये रहा. वू, ट्राई ब्रो. वो बहुत मजे का. आज तो बारिश भी लग रहा और जूसी हो गया. किसी बंदे ने सेब की पूरी बोरी इधर रखी हुई है, देखें. ओए तो खराब सेब है. थोड़ी सी ज़रा हम खुबानी भी ट्राई कर लें. ये नहीं, अच्छी नहीं है. ये वाली खाते हैं. रेडिश, लुक एट इट. बेहतरीन बेहतरीन. एक दो सेब ज़रा अपने बाकी वाले बॉयज़ के लिए भी ले जाते हैं. भाई हम लोग इजाज़त लेके यहाँ से तोड़ लें, वैसे भी हमारे दोस्त की शादी है. बेसिकली बहुत ही स्पेशल इवेंट है आज. फुल डे हम लोगों ने अपने दोस्त के साथ होना. अभी हम लोग उसके गांव जा रहे हैं गुलकिन. सो फाइनली अभी हम लोग पहुंच आए हैं गुलकिन और बहुत ही मजे का मौसम हुआ है. वसीम भाई हमारे सामने बैठे हुए आराम से थक गए यार, ये सुबह से काम पे लगे हुए इधर उधर भाग रहे. तो अभी थोड़ा सा आपको मैं अपने दोस्त का घर का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, दिखाता हूँ कि घर इनका किस तरह का बना हुआ है. ये बेसिकली कॉरिडोर की छत है और इसमें पॉपुलर ट्रीज की वुड इस्तेमाल की गई है और बहुत ही सिलेक्टेड नजर आ रही है. और ये जो है इनका ड्राइंग रूम है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट डिजाइन हुआ हुआ है. ये जो रूम है ये बहुत ही खास है, बहुत ही यूनिक है. ये बेसिकली हुंजा का सबसे ट्रेडिशनल रूम डिजाइन कहलाया जाता है. तो अभी हमारे दोस्त के फादर हमारे साथ मौजूद हैं, तो फिर थोड़ी सी कहानी उनसे सुनते हैं. इसके बाद उसके साथ जो नेक्स्ट जनरेशन और फिर एल्डर्स और दिस प्लेस फॉर द चीफ ऑफ द विलेज.
हम उसको कहते हैं नंबरदार आप पता नहीं पंजाबी में चीफ जो विलेज की चीजें मैनेज कर रहा है सर समीर जो भी चीफ ऑफ द विलेज ये उसकी जगह है मैं भी यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ दिस इज फॉर द होस्ट जैसे मैंने होस्ट किया कोई सरमनी या कोई गम खुशी जो भी होगा ये हमारे फैमिली में है जो बड़ा वो यहाँ पे बैठेगा उसे नेक्स्ट 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 ये इस फैमिली में पुराने जमाने में लोग लकड़ी छत के ऊपर जमा करते थे और सर्दियों में गर्मियों में घर के अंदर लकड़ी की ज़रूरत होती थी खाने के लिए गर्मी के लिए तो वो इधर से लकड़ी डालता था नीचे वहाँ से इधर डालते थे यहाँ से फिर इधर अब इसके अंदर जो है इसको उठाओ थोड़ा सा सुराख आग जलाने के लिए जबरदस्त। एक और बहुत ही हैरान कुन बात आपको बताते चलूं, यहाँ पे इस तरह के 5 पिलर्स डिजाइन हुए हैं जो कि 350 साल पुरानी हैंडमेड कार्विंग इनके ऊपर करवाई गई है और बहुत ही मेहनत से ये काम हुआ हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली दिस इज नॉट अ डिजाइन, हर पिलर की एक अलग किस्म की कार्विंग की गई हुई नजर आ रही है जिसके पीछे एक अलग मतलब है। हर पिलर की एक अपनी पहचान है जो कि पुराने वक्तों की यादें ताज़ा करता है। थैंक यू नुमान भाई, थैंक यू। ये बेसिकली है अर्जुक और ये यहाँ की ब्रेड है, फेमस पिटी से कहा जाता है। नुमान भाई, नुमान भाई को देख के मैंने भी अर्जुक जो है ना सारा अपनी चाय में डुबो दिया। क्या मजे के लग रहे हैं। बैक साइड के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त टेंट सिस्टम लगाया हुआ है और डांस फंक्शन जब ओवर हो जाएगा तो हम लोग फिर यहाँ पे बैठ के अपना डिनर एंजॉय करेंगे। तो अभी जो दोस्त है वो लड़की वालों के घर है, हम लोग उसके तायाबू के घर जा रहे हैं, वहीं पे सारा माहौल सेटअप हुआ हुआ है फिलहाल, तो उधर ही हम लोग इसे रिसीव करेंगे। क्या हाल है सर भाई? ठीक है, फिट है, मजे में। ओए फाइनली पहुंचे हैं दोस्त के तायाबू के घर। यहाँ पे बेसिकली दोस्त पहले अपने घर नहीं जाएगा, एल्डर्स के घर पहले जाया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। तो लड़की वालों के घर से अभी दोस्त आने वाला है, निकाह हो चुका है और यहाँ पे हम लोग उसे सारे रिसीव करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जाजी इज हियर विद हिज ब्राइड और दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ने नजरे बद से बचाया और इनकी जोड़ी सलामत रखे। तो अभी हम लोग पोलो ग्राउंड पहुँच आए हैं और डांस फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है।
तो अभी हम लोग सारे वापस अपने दोस्त के घर की तरफ आ चुके हैं, डांस फंक्शन ओवर हो चुका है, भाभी हमारी घर आ गई हैं और दोस्त बहुत खुश खुश नजर आ रहे हैं, स्माइल तो जा ही नहीं रही, बड़ा फिट डांस किया यार, लव इट, बहुत बहुत मजा आया। एनीवेज डिनर स्टार्ट होने लगे और शायद मैं वीडियो के अंदर कवर ना कर पाऊँ क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं। सो वी हैड अ लवली डिनर, कुछ ट्रेडिशनल डिशेस थी शादी के अंदर और बहुत ही टेस्टी खाना था, बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आई विल मिस दिस डेज अ लॉट और बहुत ही पीसफुल, बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही खूबसूरत एरिया है जन्नत गुलखन। होप यू गाइस हैव एंजॉयड द हुंजई वेडिंग and thank you so much for watching. Do subscribe the channel, follow me on Instagram @dntv_pkalao.